आपको बता दें कि राज्य में बकरीद को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। जिले में हर तरफ पुलिस की चाक चौबंद है। वहीं पटना में बकरीद को लेकर ऐतिहासिक गांधी मैदान को 2 दिनों के लिए सील किया जाएगा। दरअसल आगामी 28 जून से गांधी मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। बता दें कि बकरीद में नमाज को लेकर गांधी मैदान को सील किया जाएगा। आगामी 29 जून की सुबह बकरीद की नमाज अदा होगी, जिसको लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी निगाह होगी। वहीं इस दौरान 500 से 600 पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी। गांधी मैदान में 28 जून को लेकर बकरीद के नमाज अदायगी तक आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। साथ ही जिला प्रशासन और पटना पुलिस सोशल साइट पर भी अपनी पैनी निगाह बनाए रखी है। देखिए, बकरीद को लेकर हम लोगों ने काफ़ी पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी और पूर्व में जो कम्युनल केसेस में जो लोग चार्जशीट से थे उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। इस संबंध में सभी थानों से जो पूर्वाभास प्रतिवेदन मिला था उसके आलोक में जो है हमारा और DM साहब का ज्वाइंट ऑर्डर भी निकला है। पूरे जिले में जो संवेदनशील स्थल है सभी जगहों पर बलों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और सभी थाना अध्यक्षों को जो मजिस्ट्रेट हैं उनको और नगर निगम जो जहाँ नगर निगम और नगर निकाय दूसरे हैं उनकी टीम मिलकर जो है बकरीद के दिन और उसके एक दिन पहले से ज्वाइंट जो है सभी कार्य करेंगे जिससे बकरीद का त्यौहार जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। सर, सोशल मीडिया पे किस तरीके? सोशल मीडिया पे भी पुलिस मुख्यालय के स्तर से और हम लोग के जिला स्तर से जो सोशल मीडिया यूनिट है उससे नज़र रखी जा रही है। हम लोग जो है डे टू डे बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं और उसमें अगर कोई ऐसा मामला आता है जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है तो उस पर हम लोग विधिसम्मत कार्रवाई भी कर रहे हैं। कितने संख्या बल में पुलिस जो ज़रूरत है उसके हिसाब से पर्याप्त संख्या में सभी स्थानों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई। इसे अतिरिक्त जो है अनुमंडल स्तर पर QRTs भी सभी SDPO या SDU के साथ दी जा रही है।